आगरा बाहर से बड़ी खबर, गश्त कर लौट रहे दरोगा के साथ अभद्रता, वर्दी फाड़ने का प्रयास, उल्टा दरोगा पर भीड़ के साथ थाने पहुंचकर स्थानीय नेता ने बनाया दबाव। आधा दर्जन लोगों के साथ बिना मास्क के बैठा था स्थानीय नेता, मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए कहने पर दरोगा पर हुआ आग बबूला, स्थानीय नेता ने दिखाई औकात। दरोगा से किया भद्रता, दर्जनों की संख्या में लोगों को लेकर पहुंचा थाने, घेरा सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। दरोगा पर चांटा मारने का आरोप, पीड़ित दरोगा पर मुकदमा लिखाने का पुलिस पर दबाव। के भाई साहब क्यों बैठे हो आप? मेरे भाई साहब मेरे पास घर के बारे में, घर के जस्ट सामने। बिल्कुल, मैंने कहा मैं अपने घर मेरे की जिससे बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर ऐसा यहाँ आपका निखिल गुप्ता, कौन सा पद है आपका भाई साहब? जी मंडल अध्यक्ष हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी से, पिनाक नगर से। आपके साथ अभी क्या घटना हुई है? जी मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, मेरे साथ दो मेरे मित्र मिलने आए थे, बातचीत कर रहे थे हम लोग, तभी इसी वक्त मोटरसाइकिल पे दरोगा जी जितेंद्र नैन जी आए और मुझसे घर के अंदर जाने के लिए बोला। मैंने बोला सर मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, घर के दरवाजे के सामने मैं खड़ा था, तो फिर उन्होंने बोला कि जाओ अंदर जाओ। फिर जा रहा हूँ सर, प्लीज़ मैं बात कर रहा हूँ। बोला नहीं जाएगा तू, नहीं जाएगा तू, ऐसे करके दो तीन बार उन्होंने बदतमीजी से बोला। मैंने मैं चल दिया, मैंने चलो चल दिया कि अपनी बाइक से उतरे और जा आग उतरते ही मुझमें आके दो थप्पड़ मारे खींच के। और आप यहाँ थाने पहुँचे, पुलिस ने कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया है? साहब कार्रवाई के लिए कह रहे हैं और कार्रवाई करवाऊँगा मैं, और ये संगठन के लिए और ऐसी कार्रवाई करवाई होगी कि ये याद रखेंगे ये पुलिस वाले के इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होती है ना, याद रहे। आपने भाजपा के उच्च पदाधिकारी उनको सूचना दी? बिल्कुल दी थी, गिरिराज सिंह भाई साहब आ रहे हैं, जिलाध्यक्ष आ रहे हैं हमारे, और सभी को मैंने सूचना दे रखी। उठ के जाओ, जाओ यहाँ से, उठो यहाँ से, जल्दी गए। भाई साहब बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, नहीं उठो गए तो मेरे भैया चलो जल्दी। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ा उतर गए, जाता नहीं तुम ला के दिया मेरे यहाँ अदालत। हेलो मतलब ये पीटेंगे ऐसे? Thank you.